राजीव जी, चुनाव के लिहाज से किसी भी राज्य में या किसी भी देश में जितने भी कार्यक्रम कर लिए जाएं उतने ही कम हैं। लेकिन अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में कुछ कर नहीं रही है तो इस तरह की बात कर रही, क्या तो खुश होना चाहिए आपको? आप क्यों, आपकी नाराजगी क्यों हो रही है? इससे बीजेपी को तो अति प्रसन्न होना चाहिए कि चलो यार, एक 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 बड़ा विरोधी है, एक चुपचाप बैठ गया अपने घर में, संकट टला, बात ही करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा प्रतिद्वंदी हमसे थक हार करके मेरा मुकाबला करने के बजाय वो चुपचाप बैठ जाए तो यह तो जो प्रतिद्वंदी दल है उसको खुश होना चाहिए। इसमें इतना हो हल्ला क्यों है कि साहब आप कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है? ये जो नगाड़ा पीटा जा रहा है ये क्यों पीटा जा रहा है? यानी कि तथ्य ये नहीं है, तथ्य यह है कि कांग्रेस अपने जो जो सो काम जमीन पर करना चाहिए वो कर रही है। गुजरात के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि गुजरात में कांग्रेस ग्रामीण इलाकों की पार्टी हो गई है। जो बड़े महानगर हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, बड़ोदरा, इन इन जैसे इलाकों में उसका इम्पैक्ट वो नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। और वहाँ पे आप बताइए ना, किसी से जानकारी कर लीजिए कि जो कांग्रेस युवाओं का जनसंपर्क यात्रा निकाल रही है उन यात्राओं में रिस्पांस क्या है लोगों का? जो गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से सम्मानित प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, उनका विकल्प किसी को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, आज वह चर्चा शुरू हो गई कि नहीं हो गई है? और अगर अगर कांग्रेस इतनी ही कमजोर पार्टी आपके पास है तो उस पार्टी के लोगों को तोड़ने की क्या आवश्यकता है आपको? उनके लोगों को अपनी पार्टी में लाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस इतनी ही कमजोर है जो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, उपमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बदलने की आवश्यकता है? फिर तो कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर तो पूरा 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 मैदान हमारे लिए खाली है। ये वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता इससे अलग है। और जो जो मुख्य सवाल है गुजरात में, उन सवाल से लोगों के ध्यान भटकाने की कोशिश है ये। मुख्य सवाल यह है कि जो वहाँ किसानों की स्थिति है उनके बारे में क्या कह रहे हैं आप? जिस तरीके से फिरकापरस्ती वहाँ बढ़ रही है उसके बारे में आपको क्या कहना है? जिस तरीके से गरबा में भाग लेने के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जिस तरीके से पिटाई की गई उसके बारे में आपको क्या कहना है? दलितों को आप सोचिए कि ये छोटा मोटा सवाल है, 5-25 साल से अधिक समय से जिस राज्य में आप रह रहे हों, गरबा के को लेकर के वहाँ दलितों ने अंबेडकर गरबा बना दिया, उसको एक नए नाम से उसका आयोजन करना उन्होंने शुरू कर दिया। आपने आप इतने हमलावर हो गए और आपने इस तरह से अवरोध पैदा करने की कोशिश की। ये सवाल आपके ऊपर नहीं है। संस्कृति और कला के बढ़ावा और पोषक देने का आप दावा करते हैं, वहाँ इस तरह की विभाजन रेखा उसी राज्य में खींची जा रही है, लोग आपसे संतुष्ट होकर खींच दिए हैं, ये सवाल आप पर नहीं पैदा होता क्या? बेरोजगारी का सवाल वहाँ नहीं है। अभी इसी कार्यक्रम में हम लोग सुन रहे थे ना कि कुछ सैकड़ा रिक्त पदों के लिए लाखों में आवेदन आए हैं। गुजरात जैसे हाल राज्य में स्थिति है। आप हिमाचल में आ जाइए, जयशंकर जी ने कहा कि जितने पिछले उपचुनाव जितने हुए सब में आप हार गए। अब तो डबल इंजन की सरकार चल रही थी और डबल इंजन की सरकार इतनी प्रभावी थी तो लोग नाराज क्यों हैं? और जो मेजर इश्यूज हैं जिसकी बात की जाती है, गुजरात हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो भूस्खलन से प्रभावित ना हो, उसको रोकने के लिए क्या आपने किया पिछले 5 सालों में या आपकी सरकार जब भी रही? हिमाचल प्रदेश में जमीन के उत्पादकता बढ़ाने का सवाल सालों साल से उठाया जा रहा है, उसको करने उसको रोक उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? सेब उत्पादक जो कृषक हैं उनको उत्पाद का बेहतर लाभ मिले, उनके भंडारण की उचित व्यवस्था, उसके लिए आपने क्या किया? हिमाचल जैसे राज्य में भूजल स्तर गिरता चला जाए उसको उसके उसके ऊपर आप सन्नाटा खींचे हुए हैं, उस पर आप क्या कर रहे हैं? तीर्थस्थलों पे जो वहाँ गंदगी फैल रही है, पर्यावरण का संकट पैदा हो रहा है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? जिससे सीधे सीधे वहाँ की जनता प्रभावित है, ये जो उपचुनावों के मतदान में जो परिणाम सामने आया या नया थोड़े आया, जिस तरीके से ये लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं उस समय भी हो रहा था ये, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जब आप उनके जनजीवन से जुड़े हुए सवाल उनको परेशान करेंगे तो आपकी ये बातें सब लोगों को पसंद नहीं आती।
इसलिए इनके सामने संकट है कि आप ऐसी इस तरह की बातें कीजिए जिससे कि मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे। लेकिन संयोग की बात है कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने इन सभी मुद्दों को जीवंत किया हुआ है और इसका असर पड़ रहा है। इसी असर की स्थिति है कि अब लोग बात करना बंद कर दिए हैं। जिस तरीके से शुरुआती दिनों में इस यात्रा को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई सत्तारूढ़ दल के द्वारा, आज कहाँ है वो? किसी मुद्दे पे आप राहुल गांधी को उठाए गए, किसी मुद्दे पे आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते रहे कि राहुल गांधी अपने को ब्रांड कर रहे हैं, अरे तो उसके लिए इतना पता चलने की जरूरत है? जैसे आप दिन भर में 14 पोशाक बदलते हैं, वो भी शुरू कर देंगे ही काम, एडवर्टाइजिंग और मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनका सहारा ले लेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति सड़क को उतर करके लोगों से मिल रहा है, और आप लोगों से मिल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोग आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। वहाँ का किसान मिलना चाहता है, युवा मिलना चाहता है, महिलाएं मिलना चाहती हैं, बच्चे मिलना चाहते हैं, व्यापारी मिलना चाहता है, क्यों मिलना है आपसे? यानी कि आपसे कुछ ना कोई कोई ना कोई उम्मीद बांधे हुए है ना, उनको दिख रहा है कि यह व्यक्ति ऐसा है जिससे कोई ना कोई हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। शांति बहाली इतना बड़ा मुद्दा है, आप क्या राजीव जी, कोई भी समाज 24 घंटे तनाव में रह सकता है क्या? और तनाव में रख करके आप किस समाज का विकास कर सकते हैं? आप लंबी लंबी बात भले कर लें, संभव ही नहीं है। कब तक इन चीजों से इन असतही चीजों पर लोग अटके रहेंगे? अगर लोगों के सामने बेरोजगारी का सवाल है, अगर लोगों के सामने महंगाई का सवाल है, अगर लोगों के सामने फिरका परस्ती का सवाल है, अगर लोगों के सामने उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन का सवाल है, अगर उनके सामने उनके मौलिक अधिकारों के हनन का सवाल है, अगर लोगों के सामने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा है, तो आप फालतू मुद्दों से कैसे लोगों को उन चीजों से हटा लेंगे? और ये लोग जो वही मैं कह रहा कि राहुल गांधी लोग कहें कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, अरे सवाल ये पैदा होगा ना कि आप से लोग मिलना चाहते कि नहीं मिलना चाहते? आप तो धो के लाए हुए लोगों से मिल रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो सड़क में चला जा रहा है, उससे मिलने के लोग कई किलोमीटर चल के चले आ रहे हैं, पुलिस का धक्का भी सह रहे हैं, कार्यकर्ताओं का भी व्यवस्था देख रहे हैं, तमाम तरह के निषेधों प्रतिबंधों का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं हम मिलेंगे। तो एक अगर ये लोग में मिलने की प्रवृत्ति है, तो निश्चित रूप से ये विपक्षी पार्टी के द्वारा एक जो वैकल्पिक राजनीति की बात की जा रही है उसका असर है, और इस असर ने इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदला है, और लगातार उस तरफ लोग बढ़ रहे हैं। चिंता इस बात की है कि अगर आपका ताश का पत्ता बिना नींव का ये महल एक ईंट खिसकने की इस प्रक्रिया शुरू हो गई, तो फिर आप इसको बचा नहीं सकते हैं। पहाड़ से जब पहाड़ टूट के भूस्खलन होता है, नीचे खड़े वालों किसी का दिमाग नहीं काम करता कि कैसे रुकेगा ये, वही हालात आपके सामने है कि इस ताश के पत्ते के लोग पत्ते में बने हुए महल को लोगों ने खिसकाना शुरू कर दिया, आम आदमी ने शुरू कर दिया। लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारी जो मूल समस्या है उनको संबोधित करने के बजाय इधर उधर की बात की जा रही है, जिससे इनके राजनीतिक स्वार्थ भले पूरे होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, और